जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, मैं आपका रॉयल प्रिंस। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बपतिस्मा के प्रकार। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी हम बपतिस्मा के कोई शब्द सुनते हैं, हमेशा हमारे मन में बस पानी की बपतिस्मा करके हमेशा हमको याद आता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। लेकिन एक्चुअली बाइबल में तीन प्रकार के बपतिस्मा के बारे में लिखा गया है। तो आज हम वीडियो में वही देखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे बपतिस्मा शब्द, वो शब्द का सरल अर्थ क्या है वो हम देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे बपतिस्मा के प्रकार देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि मैं हर हफ्ते चार वीडियो ऐसे ही डालता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे बपतिस्मा शब्द उसका सरल अर्थ क्या है। तो हम जब हम ग्रीक जो ओरिजिन लैंग्वेज है बाइबल का ग्रीक वर्ड, जब वहाँ पे हम जाएंगे तो बपतिस्मा जो शब्द है उसके लिए जो ग्रीक वर्ड में यूज किया है वो वहाँ जो शब्द है बैप्टाइजो, तो वहाँ जो शब्द है बैप्टाइजो। एंड मैं स्क्रीन में डाल दूँगा यहाँ पे। तो जो बैप्टाइजो जो शब्द का अर्थ क्या है, गेटिंग फुल्ली इमर्स इन टू, उसका मतलब सिंपली उसका मतलब है पूरी तरह से डुबाना। हम बोलते हैं ना, मैंने उसको विसर्जन कर दिया, मैंने उसको पूरा डुबा दिया, तो उसी को बोलते हैं बपतिस्मा। तो बैप्टाइजो मतलब डुबाना, और एक बार बैप्टाइजो को मतलब पूरी तरह से डुबाना, ऐसा नहीं आधा डुबाना थोड़ा डुबाना, लेकिन जो बैप्टाइजो जो बपतिस्मा जो शब्द का अर्थ है पूरी तरह से डुबाना, उसको बोलते हैं बैप्टाइजो। तो बैप्टाइजो बपतिस्मा जो जो शब्द है वो जो शब्द बैप्टाइजो उसका सरल अर्थ यही है कि पूरी तरह से डुबाना, उसको बोलते बपतिस्मा। तभी हम जाएंगे बपतिस्मा के प्रकार के तो वहाँ पे हमें बोला था कि पहले स्टार्टिंग में तीन प्रकार के बपतिस्मा है। तो हम पहला जो बपतिस्मा है मसीह में बपतिस्मा, तो ये सिंपल अर्थ है उद्धार। मसीह में बपतिस्मा लेना मतलब उद्धार पड़ा। मैं आपको वो बताऊँगा वो बाइबल में कहाँ पे लिखा है। तो हम जाएंगे गलातियों की पत्रिका जाएंगे, उसमें तीसरी अध्याय 27वां वचन, वो वचन बोलता है कि और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो यहाँ पे पॉल कहता है जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मतलब जब हम उधर आते हैं हम मसीह के अंदर चले जाते हैं, यानी हम जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो मसीह का देह है जो कलीसिया उसके अंदर हम बपतिस्मा लेते हैं, यानी हम मसीह के देह जो कलीसिया है उसके अंदर हम डुबाया जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मसीह में बपतिस्मा। और एक वचन आपको बताऊँगा वो है पहली कोरिन्थियों 12वीं अध्याय 13 वचन, वो मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या ही यूनानी क्या दास हो क्या स्वतंत्र हो एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। यहाँ पे जो हिंदी में बोलता है देह होने के लिए बपतिस्मा, लेकिन इंग्लिश में और जो ओरिजिन लैंग्वेज में लिखा है देह में बपतिस्मा लिया, तो यहाँ पे देह के लिए नहीं लेकिन देह में बपतिस्मा लिखा है। तो हिंदी में रॉन्ग लिखा है, हिंदी में ऐसा होना चाहिए एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया, ऐसा आना चाहिए। तो बाइबल में दो जगह में लिखा है मसीह में बपतिस्मा लेना, उसका जो सरल अर्थ है उद्धार। अभी जाएंगे दूसरी प्रकार की बपतिस्मा। तो ये जो है सिंपल हमें जो पता है पानी की बपतिस्मा, लेकिन पानी की बपतिस्मा में भी दो प्रकार के बपतिस्मा है। एक को बोलते हैं मन फिराव का बपतिस्मा, और एक को बोलते हैं नए वचन जैसे मैंने उसको नाम दिया है। आप नाम देते लेकिन अर्थ एक ही है, नाम हम शायद दूसरा दे सकते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही है। मैं पहले कहते हैं कि मरकुस का गॉस्पल है, मरकुस का समाचार है, वो पहली अध्याय 4 और 5 पढ़ेंगे। तो वो वचन बोलता है कि योना आया तो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए, अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पे लिखा है योना बपतिस्मा देने वाला एक मन, जो उसका नाम क्या है मन फिरा के बपतिस्मा पचा करते हैं, मन फिरा के बपतिस्मा वो देता है। उसमें क्या कहता था जो यहूदी जो लोग है आके अपने पापों को कबूल करके उसमें उससे बपतिस्मा लेते। तो लेकिन हमें पता है कि लेकिन यीशु मसीह ने बपतिस्मा बोला था पानी लेने वाला वो एकदम अलग था। वो भी पढ़ेंगे, वो लेगा मत्ती 28 में और हम पढ़ेंगे 19 में। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा दिया उस वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं दिया गया था, लेकिन यीशु मसीह जो बपतिस्मा बोलता है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही दिया जाता है। इसका मतलब दोनों भी अलग है। और एक बात है कि यूहन्ना देता है उसमें पाप कबली था, लेकिन पाप कबली के बारे में बोला नहीं। तो दोनों जो है वो दोनों पानी बपतिस्मा अलग अलग है। तो हमें कौन सा लेना, तो हमें जो लेना है यीशु मसीह ने बोला वही बपतिस्मा लेना, यानी जो पिता पुत्र पिता आत्मा से लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यूहन्ना जो दिया वो वाला गलत है, नहीं वो भी सही था, लेकिन उस टाइम में उस जो मसीह के मरण के पहले उस टाइम में यहूदी लोग के लिए वो वाला बपतिस्मा सही था, मन फिरा का बपतिस्मा। वो क्योंकि वो बपतिस्मा दिया था वो यीशु मसीह जो आ रहा है उसके उसके एंट्री उसके आने की सबको तैयार करने के लिए बपतिस्मा उसने लेते। तो उस टाइम में वो बपतिस्मा वो लोगों के लिए सही था, एग्जैक्टली राइट था। बट लेकिन अभी मसीह के मरण के बाद वो बपतिस्मा अपने लिए अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अपने जो अपने लिए जो अप्लीकेबल है वो है यीशु मसीह के बपतिस्मा जो हम लेते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेते हैं, वो हमारे लिए अप्लीकेबल है आज। अभी हम जाएंगे तीसरी बपतिस्मा, वो तो वही भी हम पता है, वो हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। तो पहला हम जाएंगे प्रेरितों की पुस्तक पहली अध्याय 8, उसमें बोलता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामर्थ में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह रहोगे। तो यहाँ पे बोलता है यीशु मसीह बोलता है, आप जब पूरा पढ़ेंगे तो समझता है कि यीशु मसीह बोलता है कि यरूशलेम में तुम 40 दिन ठहरे रहो, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम अन्य भाषा में बात करोगे, तुम एक सामर्थ पाओगे। तो हम पता भी पेंटेकोस्ट दिन में वो पूरा भी हुआ, हम पढ़ सकते हैं दूसरे एक चर्च में पढ़ सकते हैं। मेरे बोलते हैं पवित्र आत्मा उन पर आकर बैठा, वो पवित्र आत्मा भर गए, उसके अभिषेक से भर कर वो अन्य भाषा में बोलने शुरू किए। मैं अपने आने वाले दिनों में पानी की बपतिस्मा और पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बारे में अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ फुल डिटेल ही। तो आप इस वीडियो में आपको बताया था कि बताने का बनाया कि बाइबल में तीन प्रकार की बपतिस्मा लिखा गया। तो तीन प्रकार क्या है, पहला बोला था मैंने बोला था कि मसीह में बपतिस्मा यानी वो उद्धार है, और दूसरा बोला था पानी की बपतिस्मा, उसमें भी दो प्रकार के पानी की बपतिस्मा है, एक जो यूहन्ना दिया था उसका जो उसको हम बोलते हैं मन फेरा का बपतिस्मा, और दूसरा जो प्रकार है वो इसमें से देता है उसको हम बोलते हैं कि नया वैसा का बपतिस्मा जो हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेते हैं, और तीसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसे ये लिखा है पृथ्वी पिता में जब अन्य भाषा में बोलने शुरू करते हैं। सो थैंक यू। तो इतना ही वीडियो में, आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको यूजफुल हुआ रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपको कुछ सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बोलिए। थैंक यू। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मैं आपसे अगले वीडियो मिलूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।